भारतीय जनता पार्टी का एक महासंपर्क अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। उस अभियान के तहत एक अभियान ये भी है कि जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों से संपर्क साधना, उस संपर्क साधने के बाद उनका एक सम्मेलन होना निश्चित हुआ है। उसी के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी भिवानी की बैठक है। इसमें कार्यक्रम के संदर्भ में कार्यक्रम के रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा किया गया है। इसमें 24, 26 और 27 ये तीन तारीखों में यहाँ के विधानसभाओं के लाभार्थी सम्मेलन होने सुनिश्चित हुए हैं। कितने लाभार्थी हैं और सब आगे के लिए किस प्रकार उनको आगे जोड़ा जाए, वोट में कन्वर्ट हो, क्या रणनीति रहेगी? अलग 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 विभागों के अलग अलग लाभार्थी निश्चित हैं, लेकिन एक एक विधानसभाओं में 24,000, 25,000, 27,000 तक लाभार्थी फैमिलीज हैं और उन सब पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ जोड़ने के लिए काम करेंगे। जो लाभार्थी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन केवल साथ रहने से काम नहीं चलने वाला। जो अभी वोटर के रूप में है वो समर्थक के रूप में कैसे खड़ा हूँ उस पर भारतीय जनता पार्टी की टोली काम कर रही है। अभी जिलाध्यक्ष जी ने संबंधित विधानसभाओं में चुनाव लड़े हुए लोगों के साथ फोन पर बातचीत की है। हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष उपस्थित है, मंडल अध्यक्ष लोगों से बात हुई है। स्थान ये लोग तय करके सूचित करेंगे, समय तय है। देखिये, जो जो कमियां कहीं से आई हुई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया हुआ है। उन सबको दूर करके किसी गलतफहमी में किसी कारण से कोई कट गया होगा, जो वास्तव में एप्लीकेबल है, जिसको मिलना चाहिए, जो पात्र है और उसको नहीं मिल रहा है, उसको हर हालत में मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्ती के साथ अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं। बात करें नौकरियों की, सर अभी 25,000 भर्तियों का प्रोसेस चल रहा है, बच्चे सीईटी क्वालीफाई की मांग कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार देखेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा बिना खर्ची बिना पर्ची, जो नंबर वन बच्चे हैं, जो टेस्ट को पास करने वाले हैं, जिनकी कैपेबिलिटी है, जिनके अंदर दक्षता है, उनको नौकरी मिलेगी। इसमें कहीं दो राय नहीं है। बिना खर्ची पर्ची की सरकार है तो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। रणदीप सुरजेवाला जी वास्तव में आजकल जमीन पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो बेडरूम पॉलिटिक्स में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो बेडरूम पॉलिटिक्स को मैनेज करते हैं तो कुछ ना कुछ उनको बोलने के लिए चाहिए, और बोलना उनका नैतिक धर्म है, उनको बोलना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर किसी भी प्रकार के चुनाव को लड़ने की ताकत रखती है। ये विषय एजेंडा कई बार अलग अलग ढंग से लाते हैं लोग, गठबंधन का क्या है, इनका क्या है, ये सब अपने एक समझौते के जो जेन्युइन कारण है उन कारण के आधार पर ही पार्टी सब विषयों पर फैसला करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना सामर्थ्य है कि वो अकेले चुनाव को लड़ सकती है और जीत सकती है।